गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, हमने लिया था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट, है ना। हमारा सॉल्यूट कैसा था, वोलाटाइल नेचर का। और उसके पिछले वाली क्लास में हमने उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का कैलकुलेशन देखा था जिसमें सॉल्यूट कैसा हो रहा था, नॉन वोलाटाइल, मतलब वो सॉलिड हो रहा था। तो बेसिकली हमने जो इस लेक्चर में पढ़ा था कल वाली क्लास में, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ा था, और इसके अंदर जो वेपर प्रेशर आता है वो सॉल्यूट की वजह से भी आता है ना, पी नॉट भी, और सॉल्वेंट की वजह से भी आता है, क्या, पी नॉट ए। तो इसका मैंने समझा दिया था आपको, जो टोटल लिक्विड, मतलब हम लोग सॉल्यूट भी लेंगे और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फॉर्म में लेंगे और दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। इसके अंदर जो भी यहाँ पे वेपर डेवलप होगा वो सॉल्यूट की वजह से भी होगा और सॉल्वेंट की वजह से भी। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो इन दोनों की वजह से आएगा, ठीक ना। तो और मैंने ये भी बताया था इन दोनों लिक्विड में से एक कम वोलाटाइल होगा, एक ज्यादा वोलाटाइल होगा, वो होना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों का सेम वोलाटाइल टेंडेंसी नहीं रहेगी। क्योंकि अगर दोनों अगर सेम ही हो गए, पी नॉट ए और पी नॉट बी दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों सेम लिक्विड हो जाएंगे ना, तो पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। तो इनमें से मानने के लिए हमने मान लिया था कि ए बी से ज्यादा वोलाटाइल है, तो पी नॉट ए की वैल्यू क्या है, पी नॉट बी से ज्यादा। तो उस बेसिस पे हमने किया था कि हमने मान लिया था ए इज मोर वोलाटाइल देन बी, ए ज्यादा वोलाटाइल है किससे, बी से, तो पी नॉट ए की वैल्यू पी नॉट बी से क्या हो जाएगी, ज्यादा। और जो वेपर बनेगा वो ए का भी बनेगा और बी का भी, क्योंकि इस समय दोनों वोलाटाइल नेचर के हैं। तो देखो ए का भी वेपर बन रहा है और बी की वजह से भी वेपर बन रहा है। तो ए की वजह से जो वेपर प्रेशर इसमें डेवलप होगा उसको क्या लिखा था हमने, पी ए, वो पिछले क्लास में हमने राउल्ट्स लॉ में किया था। और बी की वजह से जो आया था वो क्या था, पी बी। तो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से पी ए इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास फॉर्मूला, पी नॉट ए एक्स से आया था। और इसी तरीके से अगर बी का निकालना होगा तो बी का क्या आएगा, पी नॉट बी एक्स बी। तो जो टोटल प्रेशर होगा इसके अंदर वेपर का वो क्या होगा, इसका पार्शियल प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर का सम होगा। तो हमारे लिए किसके बराबर आया था, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसको अगर पूछा जाए तो ये बोला जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसकी मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। और मैंने बताया था अगर तीन कंपोनेंट भी आपको दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करो, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी प्लस पी नॉट सी एक्स सी, चार दे देगा तो और इसमें जुड़ जाएगा, है ना। तो सिंपल सा यह फॉर्मूला था हमारा, इसी फॉर्मूले के ऊपर आज हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। हमें पी नॉट ए और पी नॉट बी ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जो प्योर फॉर्म में हमेशा क्वेश्चन में मैंने बताया था गिवेन होती है, और एक्स से एक्स भी उनके मोल फ्रैक्शन अलग अलग हैं। एक आइडिया जरूर मैंने बताया था, जो पी जो आएगा इसका फाइनल वेपर प्रेशर आएगा उसकी वैल्यू छोटी वाली वैल्यू से तो बड़ी होती है, मतलब बी लेस वोलाटाइल है ना, तो बी की वैल्यू कम होगी। तो अगर तो छोटी वैल्यू से ये बड़ी होती है और बड़ी वैल्यू से छोटी। अगर सपोज करो इसकी वैल्यू 300 है और इसकी वैल्यू 400 है, 500 ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू 300 और इसकी वैल्यू 500 है, तो इस पी की वैल्यू हमेशा आंसर जो आएगा वो 300 से 500 के बीच में ही कुछ आएगा, इस प्रेशर की वैल्यू, ठीक ना। ठीक है, तो ये पी नॉट बी से बड़ा और पी नॉट ए से छोटा आएगा। और ये फॉर्मूला फाइनली ध्यान रखना है, और इसी फॉर्मूले को तीन फॉर्म में मैंने निकाला था, पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी को तीन फॉर्म में किया था। हम एक्स ए की जगह पे 1 माइनस एक्स बी भी रख सकते थे, तो ये फॉर्मूला आ गया था। और एक्स बी की जगह पे अगर हमने 1 माइनस एक्स से रख दिया यहाँ पे, तो हमारे लिए ये फॉर्मूला आ गया था, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हमने इसका ग्राफ देखा था, इन तीनों फॉर्मूलों को बताया था मैंने। फिर मैंने एक ग्राफ बनवाया था कि पी इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए का ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो ये हमारा वाई की, इसमें कांस्टेंट क्या है, ये तो कांस्टेंट है, फिक्स रहने वाली है वैल्यू, ये दोनों का डिफरेंस भी हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या है, इसमें मोल फ्रैक्शन बार बार बदल सकता है और प्रेशर बदल सकता है उसके करेस्पॉन्डिंग। तो वेपर प्रेशर की एक्सेस ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन में और ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हमारा जो ग्राफ आया था वो इस तरीके का कुछ आया था, पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये पिछली क्लास में मैंने समझा दिया था काफी, है ना, अच्छे से इसे। अब इसके ऊपर आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एक रफ आइडिया जरूर मैंने दिया था कि जो भी आंसर आएगा फाइनल वेपर प्रेशर वो हमेशा लेस वोलाटाइल वाले से क्या आएगा, बड़ा, और मोर वोलाटाइल वाले से वैल्यू क्या आएगी, कम। वो देख ही सकते हो ग्राफ की वैल्यू जो है पी नॉट बी से चलती है और कहां तक जाती है, पी नॉट ए तक, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में ही प्रेशर की वैल्यू आने वाली है, ठीक है। तो आज इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना, कि न्यूमेरिकल्स किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो चलो आज हम लोग ले लेते हैं, हेडिंग डाल देता हूं मैं, न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक ना। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब क्या ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर सॉल्यूट भी वोलेटाइल नेचर का होगा और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल नेचर का होगा। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आज देखने जा रहे हैं हम लोग। तो जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से मैं न्यूमेरिकल पूरा लिख नहीं रहा हूँ डेटा आपको, है ना, मैं डायग्राम के फॉर्म में समझा रहा हूँ। मैंने बताया था आपको कि हमारे लिए जो है, देखो ए भी जो ए जो है हमारे लिए क्या है, सॉल्वेंट होता है, और बी हमारे लिए क्या होता है, सोल्यूट। सोल्यूट बी होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, ए, और इसमें दोनों वोलाटाइल नेचर के होंगे, सोल्यूट भी वोलाटाइल नेचर का और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल नेचर का। तो देखो कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर। जैसे सपोज करो ये आपका ए है, सॉल्वेंट है मान लो, और ये आपका क्या है, सोल्यूट है, और दोनों किस नेचर के हो जाएंगे इस समय। तो सोल्यूट किस नेचर का, ये वोलाटाइल नेचर का ये भी है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है इस प्रॉब्लम में, ये हमें पता, हेडिंग मैंने डाल दिया है सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट। तो सॉल्यूट हमारा वोलाटाइल है और सॉल्वेंट तो हमेशा ही लिक्विड होता है, तो ये तो हमेशा ही वोलाटाइल ही रहेगा, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। तो इस बार दोनों चीजें क्या है, वोलाटाइल है, मतलब दोनों में इसका भी कुछ वेपर प्रेशर आएगा और इसका भी कुछ वेपर प्रेशर आएगा। सपोज करो ए के 2 मोल डाले गए हैं, ए के कितने मोल, 2 मोल, और बी के सपोज करिए कि कितने मोल डाले गए हैं, 3 मोल। ए के 2 मोल डाले जा रहे हैं, बी के कितने मोल, 3 मोल डाले जा रहे हैं, और जो ए का पार्शियल प्रेशर दिया है सपोज करो हमें दिया है 200, ए का कितना दिया है 200, और बी का सपोज करो पार्शियल प्रेशर जो प्योर फॉर्म में है ना, प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है इसका कितना दिया है 200, और बी का सपोज करो कितना दिया है 500। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। अब ये लैंग्वेज के फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो काफी बड़ा बन जाएगा। जैसे लैंग्वेज के फॉर्म में क्या देगा कि अ लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग, चलो मैं इसके लिए एक क्वेश्चन लिख भी देता हूँ कि किस तरीके से लैंग्वेज के फॉर्म में आएगा, लिख के आएगा, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट बी हैविंग वेपर प्रेशर पी नॉट बी, या ऐसे ले लेते हैं, हैविंग वेपर प्रेशर 500 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg इन ए सॉल्वेंट ए, हैविंग वेपर प्रेशर वैल्यू 200 mm ऑफ Hg, ठीक है ना। ये हमें बता रहा है ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट बी हैविंग वेपर प्रेशर 500 mm ऑफ Hg इन ए सॉल्वेंट ए हैविंग वेपर प्रेशर वैल्यू 200 mm ऑफ Hg। हमें बोल रहा है थ्री मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 2 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमें बता रहा है 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 2 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, देन कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्वेश्चन हमें ये दे रहा है, इस तरीके का लैंग्वेज के फॉर्म में आएगा, पर लैंग्वेज नहीं, मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ क्या कहना चाहता है। हमारे पास ए है एक सब्सटेंस और एक बी है, बी हमारे लिए क्या है, सॉल्यूट है जो वोलेटाइल नेचर का होगा, बी से सॉल्यूट होगा, ऐसे क्या होगा, सॉल्वेंट। सपोज करो ए के 2 मोल है और बी के कितने मोल डाल दिए, 3 मोल, इसकी वजह से वेपर प्रेशर 200 mm ऑफ Hg ले लो, और बी की वजह से वेपर प्रेशर कितना है 500 mm ऑफ Hg। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो लैंग्वेज के फॉर्म में इस तरीके से हमें क्वेश्चन, काफी बड़ा लैंग्वेज होता है इसका, तो ये डायग्राम के फॉर्म में ही समझने की कोशिश करिए क्वेश्चंस को क्या दे रहा है। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट बी हैविंग वेपर प्रेशर 500 mm ऑफ Hg इन ए सॉल्वेंट ए हैविंग वेपर प्रेशर वैल्यू 200 mm ऑफ Hg। एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जिसके अंदर सॉल्यूट बी है जिसका वेपर प्रेशर इतना है, और सॉल्वेंट ए उसका वेपर प्रेशर इतना है। अब बोला है 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्विंग 2 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, 3 मोल्स सॉल्यूट का 2 मोल सॉल्वेंट के साथ डिजोल्व किया जा रहा है, तो फाइनल वेपर प्रेशर कितना होगा। तो देखो बहुत आसान से सवाल होते हैं, हमने फॉर्मूला कौन से देखे हैं, हम फॉर्मूले लिख लेते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला ये है मेन जो हमेशा काम आना है, पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये फॉर्मूला हमने देखा था ना, इसी फॉर्मूले से सारे न्यूमेरिकल इसके
बाइनरी सॉल्यूशन के किए जाते हैं। और इस फॉर्मूले को मैंने तीन फॉर्म में बताया था, एक्स बी की जगह पे चाहो तो 1 माइनस एक्स से भी रख सकते हैं ना। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स से रखोगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट एक्स से, फिर एक्स से कॉमन ले लोगे। तो देखो दूसरा फॉर्मूला अगर एक्स के फॉर्म में लिखना चाहो तो मैंने समझाया था एक्स को यहाँ पे रख दो। अब अगर एक्स यहाँ पे रख दिया हमने तो ए आया है, तो इसको शुरू कैसे करोगे, ए के पीछे बी आएगा, बी के पीछे फिर बी आएगा, तो ये शुरू होगा पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए, ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। और इसी फॉर्मूले को अगर मान लो एक्स बी के फॉर्म में लिखना चाहो तो शुरू कहाँ से होगा, पी नॉट ए से, तो पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स बी, तो तीन फॉर्मूले ये हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। नहीं, ये उल्टा कर दिया मैंने, है ना, ए बी ए ऐसे होता है। तो ये तीन फॉर्मूले हमने देखे थे कल, है ना, ये तीनों निकाले थे मैंने, देखो यहाँ पे है ना तीन फॉर्मूले हमने किए थे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और उसमें जब हमने एक्स ए की जगह वन माइनस एक्स बी रखा था तो क्या बन गया था, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी, और अगर हमने एक्स बी की जगह पे वन माइनस एक्स रखा था तो क्या बन गया था, पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाता है, तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। जनरली तो ये पहले वाले फॉर्मूले से ही सारे न्यूमेरिकल लग जाएंगे। तो क्वेश्चन हम समझ गए हैं क्या, क्या प्रॉब्लम दिया है, दो हमारे पास वोलाटाइल लिक्विड है, एक के दो मोल हैं, दूसरे के तीन मोल हैं, इसका वेपर प्रेशर 200 है, इसका 500 है, तो हमसे पूछा है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, देखो मोल्स ऑफ ए लिखो, कितना लिखा है, दो मोल दिया है, इस तरीके से लिख लिया करिए तुरंत, ठीक है ना। फिर मोल्स ऑफ बी भी दिया है क्या, कितने मोल दिया है, तीन मोल। तो जैसे ही आप इन दोनों डेटा को, और क्या क्या दिया हमें देखो जरा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना दिया है प्योर फॉर्म में, 200 mm ऑफ एच जी, और बी का कितना दिया हमको, 500 mm ऑफ एच जी। तो ये डेटा हमेशा प्रॉब्लम में गिवन रहेगा, आप लैंग्वेज से पढ़ के निकाल सकते हैं डेटा। तो अगर जैसे ये पता चल जाता है तो क्या इनके मोल्स पता चलते हैं, हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं क्या यहाँ से, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या लिखोगे, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है ना, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या लिखोगे, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो जरा मोल फ्रैक्शन निकाल लो, कितना हो जाएगा बताओ, मोल्स कितने हैं, 2, नीचे कितना आएगा, 2 प्लस 3, तो ये कितने मोल्स हो जाएंगे, 2/5, ठीक है। और इसी तरीके से बी का निकालना है, तो अगर इसका 2/5 तो इसका 1 कितना आना चाहिए, 3/5 ना, तो देखो ऊपर बी के मोल्स 3 है और नीचे कितना, 2+3, तो ये कितना आ गया, 3/5। तो दोनों के हमें मोल्स मिल गए क्या, एक्स ए की वैल्यू मिल गई, एक्स बी की वैल्यू मिल गई, पी नॉट ए भी पता है, पी नॉट बी भी पता है, तो हमें तो फाइनल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, पी इज इक्वल टू होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो बस ये एक लाइन का फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को लगाते ही क्या आ जाएगा हमारे लिए आंसर आ जाएगा। तो यहाँ अगर डाल दिया जाए, पी नॉट की जगह पे कितना, 200 इंटू एक्स ए की जगह पे कितना, 2/5 प्लस पी नॉट बी की जगह पे 500 इंटू एक्स बी की जगह पे 3/5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 400, ये कितना हो जाएगा, ये काटोगे तो 40 हो जाएगा ना, ये 400/5 कर दो तो 80 हो जाएगा ये, और ये 500 से 100 तो ये 300 हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 380 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 380 mm ऑफ एच जी। तो कितना आने लगा इसका वेपर प्रेशर, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आया वो कितना आया, 380 mm ऑफ एच जी, और 380 mm ऑफ एच जी आया। तो देखो आंसर ये जो आया है 380 mm ऑफ एच जी, ये देखो जरा क्या ये 200 और 500 के बीच ही है कि नहीं है, 200 से तो बड़ा है, लेस वाली वैल्यू से बड़ा है। मैंने बताया था आपको जो भी आंसर आएगा वो हमेशा आंसर किसके बीच में आता है, लेस वाले से बड़ा आएगा और मोर वोलाटाइल से क्या आएगा, कम। तो 380 mm ऑफ एच जी आया, तो ये 200 से तो बड़ा है और 500 से क्या है, कम है, और ये आना भी चाहिए था आंसर इसी दोनों के बीच में आना चाहिए था, तो आप देख सकते हैं बीच में आया है। अच्छा एग्जैक्ट बीच की वैल्यू कब आती है, जैसे 200 है 500 है, अगर एग्जैक्ट मिड पॉइंट इसका देखोगे तो कितना आएगा, 500 × 2 = 700 का आधा कितना होता है, 350। 350 कब आता है, जब दोनों के मोल्स क्या होते हैं, बराबर। जैसे सपोज करो इसके भी दो मोल होते हैं, इसके भी दो ही मोल होते हैं, तो अगर दोनों के मोल्स बराबर होंगे तो दोनों का मोल फ्रैक्शन भी 1/2 इसका भी मोल फ्रैक्शन बनता है और इसका भी, अगर मोल्स दोनों के बराबर है तो मोल फ्रैक्शन भी क्या हो जाता, आधा आधा। तो अगर मोल फ्रैक्शन ये 1/2 1/2 हो जाता तो जो फाइनल प्रेशर पी निकलता वो भी क्या आता, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी बाई टू, मतलब इन दोनों की क्या आती, वो मिड वैल्यू आती,
ठीक है ना। तो ये आंसर हमेशा इन दोनों के बीच में आना है। अब एक आइडिया जरूर दे सकता हूँ मैं, आंसर कैसे प्रेडिक्ट आप कर सकते हैं अगर चार ऑप्शंस रखे हैं। तो देखो जरा, इसके 2 मोल है और इसके 3 मोल है, तो अगर दोनों के बराबर मोल होते ना तो आंसर कितना आता, 200 और 500 का मीट कितना होता है, 350 आता है। ऐसे समझो क्या कहना चाहता हूँ मैं। देखो ये पे कितना है, 200 है और दूसरा कितना है, 500। तो इसका वेपर प्रेशर ये पी नॉट ए है और ये क्या है, पी नॉट बी। तो जो फाइनल वेपर प्रेशर आएगा ना सॉल्यूशन का, वो इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा। वो बिल्कुल सेंटर में कब आएगा, बिल्कुल सेंटर वैल्यू मतलब क्या, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी बाई टू। ये कब आता, ये तब आता जब एक्स ए और एक्स बी दोनों की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/2 के। और ये 1/2 1/2 कब हो सकते हैं, जब दोनों के मोल्स बराबर होंगे। तो बिल्कुल मिड वाली वैल्यू तब आती है जब दोनों के मोल्स क्या होते हैं, बराबर। मतलब ये कितना आता फिर हमारे लिए, 350। लेकिन अभी आप आंसर देखो कितना आया आपका, 380 आया है ना। तो अभी इसका आइडिया जरूर मैं दूंगा कि कैसे हो रहा है ये। देखो इसके कितने मोल थे, 2 ही मोल हैं और इसके मोल्स कितने दिए हमें, 3 मोल। तो अगर दोनों के मोल बराबर होते तो आंसर बीच में आता। अब मोल्स किसके ज्यादा है, इसके 3 मोल ज्यादा है ना, तो आंसर इसके तरफ ज्यादा आएगा। मतलब आंसर 350 से ज्यादा आना चाहिए था और 500 से कम, और आ भी रहा है। कितना आंसर आ रहा है हमारा, 380 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है 350 और 500 के बीच में ही कहीं 380 आएगा ना। अगर अच्छा, अगर ऐसा रहता इसके 3 मोल होते हैं और इसके 2 मोल होते हैं, तब आंसर क्या आता, तब आंसर 350 से कम और 200 से ज्यादा, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं आता। तो अगर चार ऑप्शंस रखे हैं ना तो ये भी चीज थोड़ी हेल्पफुल है, ऑप्शंस के क्वेश्चन में कर सकते हैं। बाकी नहीं तो फॉर्मूला तो एक लाइन का है, पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो इस फॉर्मूले को लगाओ और तुरंत आंसर निकाल लो। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। काफी सिंपल सा सवाल होता है, मोल्स आपको दिए रहते हैं और पार्शियल प्रेशर भी हमें स्टैंडर्ड दिया रहता है उनका कितना होगा। पार्शियल प्रेशर मतलब उनका स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर दिया रहता है, तो हम लोग यहाँ से टोटल प्रेशर का ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। चलो, तो पहले टाइप का ऐसा सवाल बनेगा जिसके अंदर डायरेक्ट हमको दोनों के मोल्स भी बताएगा और दोनों का हमको पार्शियल प्रेशर भी बताएगा और हमसे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा। तो बस इसी फॉर्मूले से जाना है और सॉल्व कर लेना है इस तरीके से। चलिए, तो मैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम अगले पार्ट में लेता हूँ। देखो अगले तरीके के प्रॉब्लम्स कैसे बन सकते हैं। एक प्रॉब्लम तो हमारा ये बनता है जिसके अंदर हमसे क्या पूछता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें दोनों के मोल्स और दोनों का हमको प्रेशर भी बता देता है। अब अगले तरीके का जो न्यूमेरिकल्स बनता है वो जनरली हमारा किस तरीके का बनता है, देखो अगले तरीके के प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम तो वो बनेगा जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा। नेक्स्ट तरीके का ऐसा न्यूमेरिकल बन सकता है जिसमें हमें मोल फ्रैक्शन पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे ए एक डाल दिया और दो, दूसरा हमने बी डाल दिया। आप ए और बी समझ रहे हैं ना, सॉल्वेंट है और ये क्या है, सोल्यूट है। हमने इस तरीके से डाल दिया और हमें बता दिया अगर पी नॉट ए की वैल्यू इसने कह दिया 200 mm ऑफ Hg है, और सपोज करो पी नॉट बी की वैल्यू फिर मैंने ले लिया कितना, 500 mm ऑफ Hg। ये हमको दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर बता दिया है, ठीक है। और बता रहा है जो फाइनल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, उसकी वैल्यू अगर हमें मान लो दे दी उसने 420 mm ऑफ Hg। इसकी वैल्यू कितनी दे दी उसने, 420 mm ऑफ Hg। तो हमारा सवाल यह है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा, व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ए का मोल फ्रैक्शन बताइए कितना होगा इसके अंदर। तो लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हो, बताओ। पी नॉट ए पता है, पी नॉट बी पता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या, कैपिटल पी पता है। तो हमसे एक्स ए की वैल्यू पूछ रहा है, आराम से लग जाएगा। कैसे लगाएंगे, फॉर्मूला तो देखो एक ही है, फॉर्मूला यही है, पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, एक ही है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से सारे प्रॉब्लम होने। अब मुझे चूंकि एक्स ए की वैल्यू चाहिए तो एक्स बी को तो मैं 1 - xa के फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। तो मैंने बताया था अभी वो फॉर्मूला क्या आता है, तो देखो निकाल लो, है ना, वो फॉर्मूला अगर याद ना हो ना तो निकाल लिया करो। एक्स बी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1 - xa रख दिया, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स हो जाएगा। और यहाँ से आप देखो ये एक्स ए वाला है, तो किस तरीके से हो जाएगा, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनली देखा जाए तो पी इज इक्वल टू क्या आएगा, पी नॉट बी, और यहाँ से अगर एक्स ए कॉमन ले लोगे तो प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने कल निकाला था, इसी फॉर्मूले से डायरेक्ट लगा देते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक्स ए की वैल्यू ही तो चाहिए हमें, तो पी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 420 mm ऑफ Hg।
तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे 420 डाल दो। पी नॉट बी की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में हमें, 500 दिया है, प्लस पी नॉट ए कितना दिया है 200, तो 200 माइनस पी नॉट बी कितना है 500, ठीक है, इंटू एक्स ए। ये लिखने का तरीका मैंने सिखाया था ना, एक्स ए लिखना होगा तो बी से शुरू होगा, बी ए बी ए इस तरीके से, और चाहे निकाल लिया करो, है ना, तुरंत निकालने में कितना समय लगता है। 420 माइनस 500 इधर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 80 हो जाएगा, 420 माइनस 500 तो कितना हो जाएगा माइनस 80, और 200 में से 500 जाएगा तो कितना आएगा माइनस 300 एक्स ए। तो 0 से 0 कट, माइनस से माइनस कट, तो एक्स ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 8/30। तो 8/30 को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना हम लोग, कितना लिख सकते हैं बताओ, 2/, ये कटेगा क्या, 2/ नहीं है ना, इसको काट लो, किससे काट लेते हैं, 2 से काटो, तो ये 4 में जाएगा और ये 15, 4/15 हो जाएगा ना ये, तो इसको हम लोग 4/15 ले सकते हैं। तो एक्स ए की वैल्यू हमसे पूछा था कितना आ जाएगा, तो व्हाट विल बी द आंसर, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए पूछेगा तो 4/15। तो अगले तरीके का जो प्रॉब्लम्स होगा उसमें क्या करेगा, हमको पार्शियल दोनों का वेपर प्रेशर भी बता देगा और हमको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी बता देगा, तो हमें मोल फ्रैक्शन किसी सब्सटेंस का, अगर एक्स ए की वैल्यू 4/15 है तो हमसे मान लो पूछा होता है एक्स बी की वैल्यू बताओ, तो एक्स बी कितना हो जाता, ये 4/15 है तो कितना होगा, 11/15 होगा ना, कैसे निकाला 11/15 पता है ना, 1 - 4/15 कर दिया जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम तो 1 के बराबर है ना, एक्स बी बराबर क्या होता है 1 - x है ना, तो 15 - 1 करोगे तो ये देखो ना 4/15 है ना, तो 11 जोड़ोगे तो 15 होगा ना, तो 11/15 हो जाएगा एक्स बी की वैल्यू, समझे क्या कैसे किया ये, तो इस तरीके से। और ये क्वेश्चन को जनरली मैं एक साइड में शॉर्टकट बता देता हूँ, ये देखो ये तो हो गया कि हमें फॉर्मूला पता है तो कैसे लगाना है ना, इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। अब ये जो मैं शॉर्टकट अभी वो जो मैं आपको समझा रहा था, या नंबर लाइन करके है ना, ये नंबर लाइन मेथड से देखो शॉर्टकट से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो कैसे किया जाएगा ये शॉर्टकट से क्वेश्चन, नंबर लाइन मेथड बता रहा हूँ मैं किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। सपोज करो ये नंबर लाइन मेथड, ये जो शॉर्टकट मेथड है ना, ये किस, ये वेपर प्रेशर के लिए भी एप्लीकेबल है, या मैं लिख देता हूँ, देखो वेपर प्रेशर के लिए भी ये लगा सकते हो, एवरेज मोलर मास के क्वेश्चंस में भी ये शॉर्टकट लगा सकते हो, ठीक है ना। अभी मैं क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करने के लिए शॉर्टकट ही बता देता हूँ, अभी इसके ऊपर मैं एक दो और क्वेश्चंस दूंगा जिसमें मोल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस ज्यादा मिलते हैं, तो वेपर प्रेशर पे भी ये लगेगा, एवरेज मोलर मास पे भी लगेगा, है ना, एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर भी लगा सकते हैं हम लोग, इस तरीके के हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, एवरेज मोलरिटी वगैरह, नॉर्मेलिटी, इन सब के ऊपर इसे अप्लाई कर सकते हो। कैसे करना है देखो, शॉर्टकट को समझा रहा हूँ मैं कि कैसे अप्लाई करना है। देखो तो ये शॉर्टकट लगाना है, तो देखो यहाँ पे सपोज करो आपका कोई सब्सटेंस ए है और यहाँ पे बी है, ये किसी के बारे में भी बात हो रही है, चाहे वेपर प्रेशर हो, चाहे एवरेज मोलर मास हो, चाहे एवरेज एटॉमिक मास हो, चाहे मोलरिटी हो, चाहे नॉर्मेलिटी हो, ये ए है और बी है, तो जो भी एवरेज वैल्यू आएगी ना वो हमेशा इनके बीच में कहीं ना कहीं पे आएगी। सपोज करो मान लो जो भी यहाँ पे एवरेज वैल्यू आ रही है उसको मैंने एवरेज लिख दिया, ये एवरेज वैल्यू कहीं पे भी इस लाइन पे लाई कर सकती है, कहीं भी आकर गिर रही है। तो अगर मान लो किसी ने मुझे पूछा कि इसमें ए के बारे में बताइए, एक हम लोग वेपर प्रेशर को ही ले लेते हैं, ये वेपर प्रेशर पे समझा रहा हूँ, तो ये वेपर प्रेशर की बात करोगे तो यहाँ पे ए के बारे में क्या दिया रहेगा, पी नॉट ए, और बी के बारे में क्या दिया रहेगा, पी नॉट बी, और जो आंसर हमारा निकल के आएगा एवरेज वाला है बेसिकली, हमारे लिए क्या निकल के आएगा, पी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जब हमसे सवाल पूछेगा तो हमसे मोल फ्रैक्शन के बारे में पूछेगा, तो अगर सपोज करो हमसे पूछा उसने कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताओ कितना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए क्या करो, नीचे दोनों लाइन, दोनों नंबर ओरिजिनल नंबर का डिफरेंस ले लेते हैं, तो नीचे हम लोग जिसने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है मुझसे उसको ये ट्रिक पता है कैसे लगाना है, ये देखो ये दोनों ए और बी का नीचे क्या ले लेना था, ओरिजिनल नंबर का डिफरेंस ले लो, नीचे क्या ले लेते हैं, ओरिजिनल नंबर का डिफरेंस, और ऊपर क्या करते हैं, मॉड लगा रहा हूँ क्योंकि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है, ऊपर ए का निकालना है ना हमें, ए के बारे में निकालना है तो हम लोग एवरेज से बी की डिस्टेंस लेते हैं, जैसे ए का निकालना है ना तो इसके अपोजिट लेंथ लोगे, और बी के बारे में निकालना होता तो इसके अपोजिट लेते, तो ए का निकालना है तो अपोजिट वाली लेंथ को लो, तो इसे क्या लिख दिया जाए, इसे एवरेज माइनस बी लिख दो, एवरेज माइनस
बी। अब ये ए बी का मतलब क्या है, जैसे वेपर प्रेशर की बात करोगे तो यहाँ पी नॉट ए हो जाएगा, यहाँ पी नॉट बी हो जाएगा। अगर मोलर मास की बात करोगे, एवरेज मोलर मास की, तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ ए हो जाएगा, यहाँ पे मोलर मास ऑफ बी हो जाएगा। एवरेज एटॉमिक मास की बात करोगे तो यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ ए हो जाएगा, यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ बी। मोलरिटी की बात करोगे तो यहाँ पे मोलरिटी ऑफ ए और यहाँ पे मोलरिटी ऑफ बी। तो परसेंटेज परसेंटेज बताएगा उस समय, है ना, परसेंटेज के लिए। तो ये फॉर्मूला किसी भी सब्सटेंस का निकालने के लिए, वेपर प्रेशर निकालने के लिए इस फॉर्मूले को हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। तो अगर इस शॉर्टकट से अगर मैं चलना चाहूं, है ना, ये शॉर्टकट जो मैंने लगाया है, इसको अगर समझना चाहो इस क्वेश्चन पे कैसे लगाना है, तो देखो क्या करो, यहाँ पे नंबर लाइन बना लो। यहाँ पे वेपर प्रेशर कितना दिया है, एक वैल्यू दिया है 200 और दूसरी वैल्यू कितनी दी है 500। तो यहाँ पे लिख लो 200 और यहाँ पे लिख लो कितना 500। अब जो आंसर हमारा आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, मैंने बताया। तो देखो वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी दी है 420, तो 200 और 500 है, तो बीच में तो यहाँ पे कहीं 350 आएगा, तो 420 जाहिर सी बात है क्या आएगी, इसके कहीं इधर आने वाला है। तो सपोज करो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे वैल्यू आ गई है कितनी 420, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर इसका ज्यादा फ्रैक्शन है क्योंकि इसके पास में आ रहा है ना। तो अब जैसे मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका निकालना है हमको मोल फ्रैक्शन, ये ए के बारे में बात हो रही है, बी के बारे में बात हो रही है ना, तो हमें किसका निकालना है मोल फ्रैक्शन, ए का निकालना है। किसका मोल फ्रैक्शन, ए का। तो ए का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नीचे दोनों नंबर का डिफरेंस लेना है, तो ये 200 और ये 500 है, तो नीचे 200 माइनस 500 मॉड लगा के लिख देता हूँ, नीचे क्या हो गया ओरिजिनल नंबर का डिफरेंस, और ऊपर डिफरेंस लेना है, ए का निकालना है ना, तो ये अपोजिट लेंथ लोगे, तो ऊपर क्या एवरेज माइनस बी, तो ये 420 माइनस कितना कर देंगे 500, तो देखो ये कितना आ जाएगा, 420 में से 500 जाएगा तो ये 80 हो जाएगा, और 200 में से 500 जाएगा तो कितना आएगा 300, और ये देखो अगर दोनों को कट कर दिया जाए तो क्या ये 8/30 यहाँ रहा था, देखो यहाँ भी 8/30 आ गया, और 8/30 को क्या 4/15 लिख सकते हैं आसानी से, है ना। देखो एक्स भी अगर निकालना होता, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना होता, बी का मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है, तो एक्स बी के लिए क्या करोगे, नीचे दोनों का ओरिजिनल नंबर का डिफरेंस, तो यहाँ पे 200 माइनस कितना 500, 200 माइनस 500, और ऊपर अब क्या करोगे, देखो बी का निकालना है ना, बी का, तो बी निकालने के लिए जब बी को निकालना होगा तो इसके अपोजिट का लेंगे डिस्टेंस, तो इसके अपोजिट डिस्टेंस देखो कितना होगा, 200 में से 420 या 420 माइनस 200, कोई कोई से किसी से किसी को माइनस करो, मॉड लगा दिया है तो कभी गलत नहीं होगा। 420 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा 220, और ये कितना हो जाएगा 300, तो ये देखो कट हो जाएगा, और 22/30 को क्या हम लोग 2 से कट करें तो 11/15 लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे भी आ रहा था। तो आप ये शॉर्टकट से लगा लिया करो तुरंत, है ना, इस फॉर्मूले में जाने की हमको जरूरत नहीं है, ये शॉर्टकट के ऊपर अप्लाई कर लो तो ये क्वेश्चन इस तरीके के सॉल्व हो जाते हैं। समझे बात को, कैसे किया ना, ये शॉर्टकट कैसे यूज करना है, किस तरीके से। जैसे एक और मैं, ये तो हमारा इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल हो गया वेपर प्रेशर का, एक एग्जाम्पल मैं आपको एवरेज मोलर मास का भी समझा देता हूँ कि एवरेज मोलर मास कैसे करना है। जैसे देखो एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी करवा देता हूँ, ये मोल कॉन्सेप्ट में मैंने करवाया क्वेश्चन जब पढ़ाया था मैंने, यहाँ फिर से बता देता हूँ। हमने ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का नाम सुना है ना, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन कौन सा होता है, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन उसको बोलते हैं जब हमारा पता ही है कि 3O2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2O3, है ना। तो ओजोनाइड ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ ओजोन एंड ऑक्सीजन। ओजोनाइड ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, मिक्सचर होता है किसका किसका, ओजोन और ऑक्सीजन का। तो देखो ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है ना, तो इक्विलिब्रियम में तो रिएक्टेंट भी बचा रहता है और प्रोडक्ट भी बचा रहता है, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर ओजोनाइड ऑक्सीजन बोला जाता है, इट इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ ओजोन एंड ऑक्सीजन। तो इसी इक्विलिब्रियम मिक्सचर को हम लोग कौन सा ऑक्सीजन बोलते हैं, ओजोनाइड ऑक्सीजन। तो अगर इसके मोलर मास की ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन का मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 32 होता है, और मोलर मास ऑफ ओजोन की बात करोगे तो मोलर मास ऑफ ओजोन कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो अब जो ओजोनाइड ऑक्सीजन का मोलर मास आएगा, इसका अगर मान लो मुझसे किसी ने बोला कि इसका मोलर मास बताइए, तो ये जो मोलर मास आएगा वो 32 से तो ज्यादा आएगा और 48 से क्या आएगा, कम, क्योंकि कुछ परसेंट इसमें ऑक्सीजन होगा और कुछ परसेंट क्या होगा, ओजोन होगा। तो जो भी मोलर मास, एवरेज मोलर मास आएगा वो 32 से ज्यादा और 48 से कम, क्यों, क्योंकि 100% ऑक्सीजन तो है नहीं इसके अंदर कि 32 हो, नहीं 100% ओजोन है, कुछ परसेंटेज इसके हैं कुछ परसेंटेज इसके हैं। तो आंसर जो भी आएगा इन दोनों के बीच में, सपोज करो हमसे बोल दिया कि उसने
एवरेज जो मोलर मास है इसका वो कितना है, 36 ग्राम। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मुझे बताइए परसेंटेज ऑफ ओजोन इसमें कितना है ना। ये सॉलिड स्टेट में भी मैं अभी स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट जब पढ़ाऊंगा ना तो उसमें भी इस तरीके के शॉर्टकट से ही क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको। तो जैसे ये ओजोनाइड ऑक्सीजन वाला समझ लो, एक और एग्जांपल कैसे कर रहा हूं मैं, एवरेज मोलर मास के ऊपर कैसे अप्लाई करना है इसको, वो ये समझाने के लिए बता रहा हूं। तो आप कुछ नहीं करो, आपको ये पता ही है कि जो भी इस ओजोनाइड ऑक्सीजन का मोलर मास आएगा वो 32 से बड़ा और 48 से क्या आएगा, छोटा, इन दोनों के बीच में ही कहीं आएगा। सपोज करो 36 दे दिया तो हमसे पूछता है कि परसेंटेज ऑफ ओजोन बताइए कितना है इसके अंदर। तो कुछ नहीं करना है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, देखो यहाँ पे कितना 32 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 48। जो भी आंसर दिया होगा वो इन दोनों के बीच में ही दिया होगा, तो इन दोनों के बीच में कितना दिया उसने, 36। अच्छा 32 और 48 का मेन एवरेज वैल्यू कितनी होगी, 40 होगी। तो 40 कब आता, 40 अगर 50% ही होता, 50% ही होता तो एवरेज कितना आता, 40। लेकिन उसने 40 ना देके कितना दिया है, 36। कितना दिया है, 36। तो जाहिर सी बात है आंसर 32 के क्लोज है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा होगा और ओजोन का क्या होगा, कम। तो देखो परसेंटेज ऑफ ओजोन कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला लगेगा परसेंटेज निकालने के लिए, क्या बताया मैंने, नीचे ओरिजिनल नंबर का डिफरेंस, तो एक 32 है दूसरा कितना है 48, तो नीचे कितना लिख दोगे, 32 माइनस 48 ओरिजिनल नंबर का डिफरेंस, और ऊपर डिफरेंस कौन सा लोगे, किसका निकालना है, ये O2 था और ये क्या है O3। हमको ओजोन का निकालना है ना, इसका परसेंटेज निकालना है तो इसके अपोजिट से लेंगे, तो अपोजिट कितना है 32 और 36, तो 32 माइनस 36 तो ये कितना आ गया, 4 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 16, तो 4/16 कितना आ जाएगा 1/4, और चूंकि परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने परसेंट आ जाएगा, 25%। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इसका, ये मोल फ्रैक्शन निकालने वाला, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आप देखोगे P0A P0B भी दिया गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी देगा, हमसे मोल फ्रैक्शन पूछेगा। तो ये नंबर लाइन मेथड से शॉर्टकट में और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पार्ट में करता हूं मैं, देखो तो हमसे वही मोल फ्रैक्शन वाले एक दो और मैं प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं, जो शॉर्टकट सिखाया मैंने उसके हिसाब से कैसे करना है। जैसे इसी कंटेनर के अंदर हमने क्या क्या ले लिया, ए डाला और बी को, ए को और बी को ले लिया, ठीक है, इस कंटेनर में हमने डाल दिया, ए को डाला और बी को डाला, और सपोज करो पी नॉट ए की वैल्यू हमको दे दिया है उसने 300, और पी नॉट बी की वैल्यू सपोज करो दे दिया उसने हमें 400, और हमें जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना दे दिया, 360। तो हमसे पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताओ कितना है, तो अब आप विदाउट यूजिंग फॉर्मूला आपको मोल फ्रैक्शन बताना है। तो क्या करना है, ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, तो बस डायरेक्ट मैंने अभी समझाया जो शॉर्टकट वो लगा दो, नीचे क्या ले लोगे, दोनों नंबर का डिफरेंस 300 और 400, ये ओरिजिनल नंबर है ना, तो नीचे हम लोग ले लेते हैं पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ओरिजिनल नंबर का डिफरेंस, और ऊपर क्या ले लेंगे, जो भी वेपर प्रेशर की वैल्यू आई है उस वैल्यू की, और ए का निकालना है तो यहाँ पे कौन सी लोगे, बी लोगे, ए का निकालना है तो कौन सा लोगे, बी लोगे, ठीक है ना, और बी का निकालना होता तो यहाँ पे किसका लिया जाता, ए का। तो बस खत्म हो गया सवाल, देखो 360 में से 400 जाएगा तो कितना आएगा, 360 माइनस 400, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना, 300 माइनस 400। तो मैं आपको लगा रहा हूँ तो ये लगाने में टाइम लग रहा है, नहीं तो आप ओरली इन सब सवालों को मोल फ्रैक्शन वाले कर सकते हो, और आप देखना कम से कम इस टॉपिक के ऊपर 80% क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन के ही मिलेंगे, है ना, ज्यादातर। तो 360 में से 400 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 100, तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 2/5। खत्म हो गया ये सवाल, समझेगा। चलो एक और देखो, तुरंत करते हैं हम लोग इस तरीके के प्रैक्टिस के लिए। कंटेनर दे दिया हमें, इसमें ए डाल दिया हमारे लिए सॉल्वेंट और बी डाल दिया सोल्यूट को, दोनों वोलेटाइल लिक्विड है। इसका सपोज करो वेपर प्रेशर हमको दे दिया कितना, 300, और इसका वेपर प्रेशर बी का सपोज करो आपको दे दिया 500, और मैंने बोला जो फाइनल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आने वाला है कितना आने वाला है, 470। तो मेरा क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी बताइए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताइए कितना होगा। तो देखो ये सब क्लासरूम में होते हैं ना, तो ज़्यादा समझाने में मुझे ज़्यादा टाइम इसलिए लगा है क्योंकि हम लोग ऑफलाइन में, हम लोग ऑनलाइन में सब चीज़ें देख रहे हैं ना, अगर यही ऑफलाइन हम लोग क्लासरूम के अंदर करते तो आपको फटाफट हो जाता। अभी देखो एक्स से निकालना है, बताओ कैसे करोगे, एक्स से निकालना है तो नीचे ओरिजिनल नंबर का डिफरेंस ले लेते हैं, 300 और ये 500 है, 300 500 का कितना डिफरेंस आएगा, 200,
मैंने बताया मॉड लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे आ जाएगा 200। और ए का लेना है ना, किसका लेना है, ए का मोल फ्रैक्शन लेना है, तो ए का मोल फ्रैक्शन लेना है तो एवरेज वाले की किससे देखोगे, बी से देखोगे ना डिफरेंस, तो 470 से 500 कितना दिखेगा 30, तो ये कितना हो गया 3/20 इज द आंसर, खत्म हो गया मोल फ्रैक्शन। और एक्स बी अगर पूछा है तो क्या करना है, अगर ये 3/20 है तो कितना आना है 17/20 आना ही है। और इसको दूसरे तरीके से निकाल देते हैं हम लोग शॉर्टकट से, बी का निकालना है तो नीचे तो ओरिजिनल नंबर का डिफरेंस 300 और 500 है, तो 300 500 का कितना आएगा 200 आ जाएगा ओरिजिनल का। और चूंकि बी का अब निकालना है, तो बी का निकालना है तो इसकी डिफरेंस किसके साथ देखोगे, ए के साथ, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो 470 और 300 का डिफरेंस कितना आएगा, 470 और 300 का डिफरेंस कितना आएगा 170 आएगा ना, 300 और 470 में 170 जीरो करता कितना है 17/20, वो डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते। तो क्या आप ये क्वेश्चंस कर लोगे, तो ये वाले खूब क्वेश्चंस मिलेंगे इस तरीके के, है ना, जिनमें हमसे क्या पूछेगा मोल फ्रैक्शन बताइए हमको एवरेज वेपर प्रेशर बता के। तो आई होप कि ये वाले क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत किसी को नहीं है, कर सकते हैं ना। चलो अब नेक्स्ट अगले तरीके का प्रॉब्लम देखो कैसा ले रहा हूं मैं, नेक्स्ट सवाल कैसा आ सकता है एक क्वेश्चन हमारे पास, जैसे दे रहा है वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलाटाइल कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलाटाइल कंपोनेंट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इज 300 एंड 500 mm ऑफ HG, ठीक है ना, 300 एंड 500 mm ऑफ HG रिस्पेक्टिवली। ठीक, आगे हमें बोल रहा है मोलर मास ऑफ ए एंड बी, मोलर मास ऑफ ए एंड बी इज 50 एंड 200, कितना है 50 एंड 200, ए का मोलर मास 50 और बी का कितना है 200 रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो हमसे बोल रहा है क्वेश्चन कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेंड By mixing, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेंड बाई मिक्सिंग, पहला दे रहा है फर्स्ट पार्ट कह रहा है इक्वल मास ऑफ ए एंड बी, जब इक्वल मास ऑफ ए एंड बी को मिक्स करेंगे, और सेकेंड पार्ट दे रहा है हमको इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी। देखो सेकंड पार्ट तो ओरली कर सकते हो, इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी डालने का मतलब क्या हो गया, अगर दोनों के इक्वल मोल डाला जाएगा तो दोनों का इक्वल मोल डालने पे दोनों का मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा बराबर, और वो मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1/2 1/2, इसका भी 1/2 इसका भी 1/2। तो आप अगर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी बाई टू, तो एवरेज वैल्यू आ जाएगी सीधे, तो कितना हो जाएगा 300 और 500 का 800, 800 का आधा कितना 400। अब जाहिर सी बात है देखो एक 300 है और दूसरी वाली वैल्यू कितनी है 500, तो जो भी आंसर आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है ना, आंसर 300 से बड़ा आएगा, ये पी नॉट ए है अपने पास और ये क्या है पी नॉट बी है, ठीक है ना, जो भी आंसर आएगा इन दोनों के क्या आएगा बीच में 400, एग्जैक्ट 400 कब आएगा जब दोनों का मोल फ्रैक्शन बराबर रहेगा, इसका भी 50% इसका भी 50%, तो बिल्कुल बीच की वैल्यू कितनी आएगी 400, तो ये वाले केस में तो डायरेक्ट हो जाएगा ना इक्वल मोल्स है। देखो कैसे करना है, सब्जेक्ट टू अप्रोच से अगर चला जाए फर्स्ट पार्ट को कैसे आप लगाओगे, कैसे करना है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व, तो जो डेटा दिया है वो तो हमें समझ में आ चुका है, यहाँ साइड में मैं लिख देता हूँ क्या क्या दिया हमें, पी नॉट ए दिया है 300, पी नॉट बी दिया हमें कितना 500, देखो 300 पी नॉट ए और पी नॉट बी कितना है 500, मोलर मास ऑफ ए हमें दिया है कितना 50 और मोलर मास ऑफ बी हमें दिया है कितना 200, ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अब पहला पार्ट करते हैं, देखो पहला पार्ट में क्या बोला उसने, क्या लेना है इक्वल मास लेना है दोनों का, तो क्या लेना है इक्वल मास, तो कोई बात नहीं इक्वल मास दिया है, तो इक्वल मास दिया है तो मान लिया कि इक्वल मास कितना मान लेते हैं हम लोग W मान लेते हैं, इक्वल मास क्या मान लेते हैं W, तो अगर दोनों का इक्वल मास लेना है तो डब्ल्यू ए बराबर डब्ल्यू बी लेना है, और ये दोनों का मास हमने कितना मान लिया W मान लिया कि दोनों का वेट कितना है W है, तो अगर हमारा डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी इज इक्वल टू डब्ल्यू मान लिया, तो यहां से क्या अगर वेट मानते हैं क्या हम लोग मोल्स ऑफ है निकाल सकते हैं, क्या मोल्स ऑफ ये क्या हो जाता है, देखो डब्ल्यू ऑफ डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई क्या इसका मोलर मास ऑफ है, और इसी तरीके से एन बी निकालना होगा मोल्स ऑफ भी, क्योंकि बिना मोल फ्रैक्शन के तो होगा नहीं ना वेपर प्रेशर निकालने के लिए, तो एन बी कितना हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है, डब्ल्यू ए हमने कितना माना है डब्ल्यू मान लिया है वेट को, मोलर मास ऑफ ए कितना है 50,
यहाँ पे देखो डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी मानी हमने, इक्वल वेट दिया है तो इसको भी डब्ल्यू, और एम बी की वैल्यू कितनी दी हमारे लिए 200, ठीक है। अब यहाँ से चूंकि मोल्स हमको दोनों के मिल गए तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो अब उसको भी देखो, इसको भी थोड़ा सा मैं सिंपल बना दूँ, कैसे करना कर किया करो हमेशा इस तरीके को। देखो इस तरीके से करने के लिए देखो 58 200 है ना, तो क्या इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 4W/200 हो जाएगा क्या, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई किया नीचे भी। अब देखो 200 200 कॉमन हो जाएगा ना, तो आसानी से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो क्या लिखोगे बताओ, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी लिखेंगे ना, तो एन ए की जगह पे कितना रखेंगे बताओ, 4W/200 डिवाइडेड बाई इधर 4W/200 प्लस W/200। तो देखो 200 से 200 तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने सेम किया था इसको। तो ये कितना आ जाएगा 4W/5W, तो देखो W से W कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आएगा 4/5, अननोन कभी आएगा ही नहीं ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4/5, तो अगर एक्स की वैल्यू 4/5 है तो एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5 हो जाएगी ना, उसको डायरेक्ट भी समझो। देखो ना ऐसे एक्स बी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ दिस। तो देखो 200 200 सेम किया तो कट ही जाना था, तो ऊपर W आता और नीचे क्या आता W प्लस 4W, मतलब कितना आ जाता 1/5 आता ना, W अपॉन W प्लस 4W तो 1/5 आ जाता, तो खत्म हो गया है प्रॉब्लम। अब तो हमसे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है ना, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताना, इक्वल मास लिया था तो क्या लगा दिए पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और बस इसमें वैल्यूज को डाल देते हैं उठा के। पी नॉट ए की जगह पे कितना रख दिया 300 इंटू एक्स ए की जगह पे कितना रखना है, एक्स ए की वैल्यू कितनी है 4/5, तो 300 इंटू 4/5 प्लस पी नॉट बी की वैल्यू कितनी है अपने पास 200 इंटू एक्स बी की वैल्यू कितनी है 1/5, और बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना हो जाएगा देखो 60, तो ये 240 हो जाएगा है ना, 60 बार में जाएगा, और ये कितनी बार में जा रहा है 40, क्या 40 ही जाएगा ना, हाँ तो ये 240 और प्लस 40 कितना हो जाएगा मिलके अपना, ये कितना दिया अपने पास 500 दिया है ये, ठीक है 500 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 100, पी नॉट भी 500 था ना, मैंने 200 ले लिया था, ये 500 है तो 5 तो ये 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 340 mm ऑफ एच जी हो जाएगा आंसर, 340 mm ऑफ एच जी इज द आंसर। तो देखो 400 से आंसर क्या आया, कम आया, ठीक है ना, 400 एग्जैक्ट कब आता, जब दोनों के मोल्स बराबर होते हैं। जैसे बी पार्ट को मैं यही लगा देता हूँ ना, सेकंड पार्ट के लिए अगले पेज पे नहीं जाता हूँ। देखो सेकंड पार्ट कैसे करोगे, इक्वल मोल्स बोला है ना, तो देखो इक्वल मोल्स का मतलब एन को सेम करना है, तो इक्वल मोल्स के लिए क्या एन ए बराबर एन बी बराबर एन मान लेते हैं इक्वल मोल्स। तो अगर मोल्स इक्वल है तो मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या लिखोगे, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। देखो ये सब मैं लिख रहा हूँ, ये आपको तो न्यूमेरिकल में लिखना नहीं है, इतना सब मुझे समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है, नहीं तो आप इक्वल मोल्स है तो आपको आइडिया लग गया, इक्वल मोल्स होने का मतलब मोल फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा, क्योंकि देखो एन ए की जगह पे एन रखोगे, यहाँ भी एन प्लस एन रखोगे तो ये कितना आएगा 1/2। इक्वल मोल्स है तो मोल फ्रैक्शन भी तो बराबर ही आएगा, एक्स ए की वैल्यू 1/2 तो एक्स बी की वैल्यू भी कितनी आएगी 1/2, तो देखो 1/2 ये भी आ गया 1/2 ये भी आ गया, तो हमसे तो फाइनल प्रेशर पूछा है, तो प्रेशर क्या हो गया पी नॉट ए इंटू 1/2 प्लस पी नॉट बी इंटू 1/2, ठीक है ना, पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो बेसिकली ये क्या होता है पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी 2 हो जाएगा, इन दोनों की मिड वैल्यू। तो अब देखो आपको वैल्यू तो पता ही है, एक वैल्यू कितनी है 300 और दूसरी वैल्यू कितनी है 500, तो 3 और 5 कितना हो गया 800, और 800 का आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 400, तो आंसर कितना हो जाएगा 400। तो सेकंड वाले केस का आंसर कितना आएगा 400, और फर्स्ट वाले केस का आंसर कितना आएगा 340, और ये 400 देखो 400 बिल्कुल बीच में आएगा इसके सेंटर में। और एक आइडिया ये भी है ना, कि एक आइडिया ये भी बताऊं कि आंसर किसके क्लोज आना चाहिए था। देखो ये 400 इक्वल मोल्स वाले में, मास वाले में भी आप आइडिया ले सकते हो कि सर इक्वल मास रहेगा तो हम कैसे आइडिया लगाएं कि क्या आंसर होना चाहिए। तो मास वाले के लिए भी आइडिया अपने पास, मास वाला कैसे पता करना है, मास वाले के लिए भी कुछ दिमाग नहीं लगाना है। मास में देखो अगर मास दोनों का सेम है, मास दोनों का सेम है, तो आप मोलर मास को देखो, किसका मोलर मास कम है, इसका कम है, और इसका मोलर मास क्या है ज्यादा, तो जिसका मोलर मास कम होगा, ऊपर का मास दोनों का सेम है तो मोलर मास इसका कम है, तो इसका मतलब इसके मोल्स ज्यादा होंगे, और ए के अगर मोल्स ज्यादा होंगे तो ए का मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं ए का मोल फ्रैक्शन कितना आया था 4/5, और बी का मोल फ्रैक्शन कितना आया था 1/5। तो अगर ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा आया तो आंसर जो आना चाहिए था वो ए के आसपास आना चाहिए था,
तो आंसर 400 कब आता है, जब दोनों बराबर होते, क्योंकि अब ए का ज्यादा मोल फ्रैक्शन आएगा क्योंकि उसका मोलर मास कम है, तो आंसर 300 से 400 के बीच में होना चाहिए था, तो आंसर भी हमारा 340 आया है। तो अगर चार ऑप्शंस रखे ना, तो ये आइडिया भी एक थोड़ा लगाने का तरीका सीखो कि कैसे आइडिया लिया, कितना आएगा, समझे क्या बात को। तो इस तरीके से इस तरीके के प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब एक तरीके का और प्रॉब्लम बचा है जिसके अंदर हमसे पी नॉट ए और पी नॉट बी अननोन करता है, उसको नेक्स्ट पार्ट में लेता हूँ। चलो तो एक और प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं जिसके अंदर हमसे जनरली हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू हमसे पूछ लेता है ना, उस तरीके का एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ। जैसे हमें दिया है वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलाटाइल, वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलाटाइल कंपोनेंट, टू वोलाटाइल कंपोनेंट्स ए एंड बी इज गिवेन बाई, ए एंड बी इज गिवेन बाई, गिवेन बाई पी इज इक्वल टू 5.3 माइनस 2.3 एक्स बी, ठीक है ना, ये दिया है हमें। वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलाटाइल कंपोनेंट ए एंड बी इज गिवेन बाई पी इज इक्वल टू 5.3 माइनस 2.3 एक्स बी, वेयर हमें बता रहे हैं वेयर एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, वेयर एक्स बी क्या है, एक्स बी का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट, कैलकुलेट पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। देखो पी नॉट ए और पी नॉट बी पे क्वेश्चन बना दिया इस बार, है ना, कि कैलकुलेट करिए पी नॉट ए को और पी नॉट बी को। तो मैं बता देता हूँ क्वेश्चंस के टाइप फिक्स है ना बेटा, देखो क्वेश्चंस क्या क्या कैटेगरी का बनता है। एक क्वेश्चन इस कैटेगरी का बनेगा जिसमें हमसे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ही पूछेगा, ये सब डेटा देखे आसानी से निकाल सकते। एक क्वेश्चन वो बनता है जिनके अंदर हमसे मोल फ्रैक्शन पूछता है कि उनके मोल फ्रैक्शन अलग अलग सबके होते हैं, तो इसके शॉर्टकट बता दिए। एक किस तरीके का प्रॉब्लम बन सकता था इक्वल मास इक्वल मोल्स वाले, और एक आखिरी एक इस तरीके का प्रॉब्लम बनता है जिसमें हमसे पी नॉट ए और पी नॉट बी के बारे में बात करता है कि पी नॉट ए क्या होगा और पी नॉट बी। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, तो फॉर्मूला अपने पास देखो एक ही है, फॉर्मूला क्या है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, फॉर्मूला तो यही है, इसी फॉर्मूले से जाना है, इस फॉर्मूले के अलावा कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। अब ये अलग बात है, इस फॉर्मूले को मैंने तीन फॉर्म में किया था, आप ये देख सकते हो पी इज इक्वल टू समथिंग माइनस समथिंग एक्स बी लिखा है, मतलब इस फॉर्मूले को मैं एक्स बी के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर दूं तब फिर शायद हो सकता है कि हम कंपेयर कर सकें, तो कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। इसको एक्स बी के फॉर्म में लिखना है तो क्या तरीका बताया था, अगर बी लिखना है लास्ट में तो शुरू कहां से करोगे, ए से, तो पी नॉट ए प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा, ए के बाद बी माइनस ए एक्स बी, ये बताया था ना, इसी फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाया था हमने, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला रहा, देखो एक्स से की जगह पे कितना रख दिया था 1 माइनस एक्स बी, तो 1 माइनस एक्स बी रखते क्या आया था, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी आया था, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। तो ये फॉर्मूला उसी से बना है, तो अगर ये फॉर्मूले से अगर इसको कंपेयर कर दो जो दिया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया है, पी इज इक्वल टू 5.3 माइनस 2.3 एक्स बी दिया हुआ है, तो लाओ इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर करने से तो कोई नहीं रोक सकता, तो कंपेयर कर दिया क्योंकि ये भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का ही दिया है, तो दिख ही रहा है ये इसकी जगह पे है और ये वाली वैल्यू इसकी जगह पे है, दिख रहा है क्या। तो कंपेयर करने पे हमें क्या मिलता है, कंपेयर करने पे हमें साफ साफ मिल गया कि पी नॉट ए की वैल्यू किसके बराबर हो गई 5.3, पी नॉट ए किसकी जगह पे है 5.3, और पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए ये किसके बराबर है, ये देखो यहाँ प्लस साइन है, यहाँ पे क्या है माइनस, तो क्या इसको प्लस ब्रैकेट में माइनस 2.3 लिख सकते हैं ना, तो ये माइनस 2.3 के बराबर है, समझे ना, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए किसके बराबर है माइनस 2.3, तो पी नॉट बी माइनस 5.3 इज इक्वल टू माइनस 2.3 क्योंकि पी नॉट ए मिल चुका है, तो पी नॉट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 2.3 प्लस 5.3, तो कितना हो जाएगा ये 3.0 हो जाएगा, समझे क्या। तो हमसे क्वेश्चन यही पूछा था कि पी नॉट ए की वैल्यू बताइए और पी नॉट बी की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो अब देखो बेटा ये तो हो गया कि इक्वेशन वोकेशन जिसको ये फॉर्मूला याद है उसको, अब इसके लिए भी मैं देखो शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, है ना, इसके लिए भी इस तरीके के प्रॉब्लम को करने का शॉर्टकट या ट्रिक्स जो भी कह लो कि कैसे ये क्वेश्चन जल्दी से किया जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन करने के लिए मान लो हमें ये फॉर्मूला ही नहीं याद है, ये फॉर्मूला नहीं याद है तो कैसे करेंगे, तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, पी की तो एक्सप्रेशन दिया ही हमें 5.3 माइनस 2.3 एक्स बी, तो हमें क्या पूछा, हमसे तो क्वेश्चन में ये पूछा है ना पी नॉट ए की वैल्यू बताइए कितनी होगी और पी नॉट
वी की वैल्यू बताइए कितनी होगी, ये सवाल है हमारे पास। कुछ मत करो, ये फॉर्मूला, ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया है, अगर इसमें मैंने कहा एक्स बी की वैल्यू जीरो हो जाए, एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। अच्छा, अगर एक्स बी जीरो हो जाएगा, चूंकि ये दो कंपोनेंट का ए और बी दोनों वोलाटाइल थे, तो अगर एक्स बी की वैल्यू जीरो कब होगी, जब एक्स ए की वैल्यू कितनी हो जाए, वन। एक्स बी जीरो कब हो सकता है, जब एक्स ए क्या हो जाए, वन। और जब एक्स ए वन हो जाएगा तो जो भी प्रेशर आएगा उस प्रेशर को पी नॉट ए बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि एक्स बी जीरो होने का मतलब कि सोल्यूट उसके अंदर है ही नहीं, पूरा का पूरा क्या है, सॉल्वेंट है, और सोल्यूट है ही नहीं। एक्स बी जीरो होने का मतलब सोल्यूट इज एबसेंट, तो पूरा सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट का जो भी प्रेशर अब ये रहेगा, ये प्रेशर केवल किसके बराबर होगा, पी नॉट ए। तो इसमें कुछ मत करो, इसमें एक्स बी बराबर जीरो रख दो, एक्स बी बराबर जीरो रखूंगा तो पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5.3। और ये जो एक्स बी को जीरो डालने पे जो वैल्यू प्रेशर की मिलेगी, क्या इस प्रेशर को हम लोग पी नॉट ए बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो प्योर ए का ही प्रेशर हो गया ना अब, समझे क्या। तो देखो इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये भी ट्रिक ध्यान रखना कैसे कर रहा हूं मैं। और अगर सपोज करो दूसरे का कैसे निकालोगे, एक्स बी की वैल्यू वन कर दिया, तो एक्स बी की वैल्यू अगर मैंने वन रख दी, इसी में फिर से देखो एक्स बी की जगह पे हम मैंने क्या रख दिया, वन। अगर एक्स बी की वैल्यू वन रख दिया तो मतलब एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी उस समय, जीरो। एक्स बी वन होने का मतलब एक्स ए जीरो, तो जो भी प्रेशर आएगा वो प्रेशर क्या ए अब है उसके अंदर, ए है ही नहीं, पूरा का पूरा क्या है, बी है। एक्स बी की वैल्यू वन होने का मतलब पूरा का पूरा सोल्यूट है, तो जो भी प्रेशर आएगा वो किसका आएगा, पी नॉट बी कहलाएगा ना। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, कल का ध्यान है ये। देखो जब ये बी था, पूरा का पूरा प्योर लिक्विड बी था, तो उसको पी नॉट बी लिखते थे, जब पूरा का पूरा ए था तो उसको पी नॉट ए लिखते थे। तो अगर एक्स बी की वैल्यू वन हो गई, इसका मतलब उसके अंदर ए है ही नहीं, तभी तो उसका पूरा मोल फ्रैक्शन वन है। तो उसका मोल फ्रैक्शन वन होने का मतलब जो भी प्रेशर आएगा वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, पी नॉट बी से। तो बस ये भी सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। देखो एक्स बी की वैल्यू वन लेते ही पी बराबर कितना हो जाएगा, 5.3 माइनस 2.3 इंटू वन, तो 5.3 में से 2.3 जाएगा तो कितना आएगा, 3.0। और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, पी नॉट बी के बराबर। तो देखो पी नॉट ए का भी आंसर आ गया 5.3, और पी नॉट बी का भी आंसर आ गया 3.0। तो एक ये भी अल्टरनेट तरीका है सॉल्व करने का। तो आई थिंक कि ये भी समझ गया कैसे करना है ना, किस तरीके से। बाकी आपको अगर ये फॉर्मूला, देखो इस फॉर्मूले में मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इस फॉर्मूले की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी है, नहीं तो इस फॉर्मूले से कंपेयर करके भी सॉल्व इसे कर सकते हैं, कर लेंगे ना ऐसे क्वेश्चंस। एक और मैं दे देता हूँ इसी के ऊपर, छोटा सा एक और प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ, है ना, उसको थोड़ा अभी आप खुद मतलब खुद क्या ऐसे कर लो, तुरंत प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। एक और न्यूमेरिकल दे देता हूँ, जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, पी इज इक्वल टू हमें दे दिया 26 माइनस 14 एक्स ए, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये है पी नॉट ए की वैल्यू क्या होगी और पी नॉट वी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। 26 माइनस 14 एक्स ए, हमारा क्वेश्चन ये है कि पी नॉट ए बताइए कितना होगा और पी नॉट बी की वैल्यू कितनी होगी, ये बताना है हमको। पी नॉट ए इज इक्वल टू व्हाट एंड पी नॉट बी इज इक्वल टू व्हाट, कैसे करोगे। पी नॉट ए जब निकालना है तो पी नॉट ए निकालने के लिए क्या, प्योर फॉर्म। पी नॉट ए का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ इन प्योर फॉर्म ऑफ ए। ए का जब प्योर फॉर्म होगा तो पी नॉट ए होने का मतलब एक्स बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो, और एक्स ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वन, तभी तो पी नॉट ए होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, एक्स ए की जगह पे कितना रख देना है, वन रख दो, तो एक्स ए की जगह पे वन रख दोगे तो 26 में से 14 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12। तो पी नॉट ए का आंसर आ गया तुरंत, देखो एक लाइन में खत्म हो गया, 12 हो गया आंसर। और पी नॉट बी निकालने का मतलब क्या हो गया, पी नॉट बी होने का मतलब एक्स बी की वैल्यू प्योर फॉर्म में होनी चाहिए, तो एक्स बी कितना रहेगा, वन, तो उस समय एक्स ए की वैल्यू कितनी रहेगी, जीरो। तो कुछ नहीं करना, इसमें एक्स ए की जगह पे जीरो डाल दो, एक्स ए की जगह पे जैसे ही जीरो डालोगे तो ये वाला पी किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट बी के। तो इसका मतलब पी नॉट बी का आंसर कितना आ जाएगा, एक्स ए की जगह पे जीरो डालोगे तो कितना आ जाएगा, 26। आई होप दिस इज क्लियर, है ना, किस तरीके से करना है, समझे क्या। ये जो पी है इस पी नॉट ए में कब बदलेगा, ये पी नॉट ए में कब बदलेगा, पी नॉट ए में तब बदलेगा जब एक्स ए की जगह पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, एक्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। और यही पी पी नॉट बी में कब बदलेगा, जब इस एक्स ए की जगह पे कितना आ जाएगा, जीरो, समझे क्या। ये वाला पी पी नॉट ए में कब जाएगा, जब इस एक्स ए की जगह पे कितना आ जाए, वन। और यही पी पी नॉट बी में कब जाएगा, जब एक्स ए की जगह पे क्या आ जाए, जीरो, क्योंकि ए उसके अंदर मौजूद ही नहीं है। तो आई होप दिस इज क्लियर, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ये फॉर्मूला डायरेक्ट इस फॉर्मूले से जाके, इस फॉर्मूले से फिर हमको क्या करना पड़ता है, इसको भी कंपेयर करते, फिर इस तरीके से थोड़ा सॉल्व वॉल्व करते, तो इसमें लफड़ा या प्लस माइनस माइनस गड़बड़ करते तो गलत हो जाता। तो मेरे हिसाब से ये मेथड अच्छा है, इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो इसमें एक और प्रॉब्लम है, ठीक ना, और एक दो प्रॉब्लम और करने हैं हमें,
तो एक प्रॉब्लम मैं दे देता हूँ आपको एज ए होमवर्क दे देता हूँ, उसको आप ट्राई करो, नहीं होगा तो कल की क्लास में मैं उसी प्रॉब्लम से स्टार्ट करूंगा। एक और न्यूमेरिकल मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना, जिसमें पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू पता करनी है। अब ये भी देखो, काफ़ी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ना, काफ़ी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम पूछा था, ये जेई का ही प्रॉब्लम है, तो आप इसको अटेम्प्ट करिए। फोकस देखो, तो इसको आप अटेम्प्ट करिए, अगर नहीं होगा तो कल की क्लास में तो मैं इसे सॉल्व करवाता हूँ। फिर देखो, इसमें भी ए वोलाटाइल डाल दिया और दूसरा क्या है, बी वोलाटाइल डाल दिया। ए के इसने कितने मोल दे दिए, मान लो 2 मोल दे दिए, या 2 नहीं 1 मोल ले लेते हैं, चलो ए के कितने मोल्स हैं, 1 मोल, ठीक है। और बी के कितने मोल्स दे दिए उसने, बी के मान लो आपको दे दिए 3 मोल, तो ए के 1 मोल डाले हैं और बी के कितने मोल डाल दिए, 3 मोल डाल दिए। तो जो हमारा वेपर प्रेशर हो रहा है इस सॉल्यूशन का, वो वेपर प्रेशर कितना रहा है, 550 mm ऑफ एचजी आ रहा है। सपोज करो ए और बी, इसके ए के कितने मोल हैं, 1 मोल है, ध्यान रखना, ये कितने हैं, 1 मोल, तो ए का 1 मोल, ठीक है, और बी के कितने मोल, 3 मोल, तो वेपर प्रेशर जो है वो कितना है, ए के मोल्स 1 है, 1 मोल ए का डाला है और बी के कितने मोल्स डाले हैं, 3 मोल डाले हैं, तो जो वेपर प्रेशर आ रहा है सॉल्यूशन का वो कितना रहा है, 550 mm ऑफ एचजी आ रहा है। इसी क्वेश्चन में बोल रहा है 1 मोल ऑफ बी इज फर्दर एडेड, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या कर रहा है, 1 मोल बी का और ऐड कर रहा है ना, 1 मोल ऑफ बी इज फर्दर एडेड, बी के 1 मोल को और इसके अंदर ऐड कर रहा है, मतलब अब 300 कितना हो जाएगा, 4, लेकिन ए के मोल में कोई चेंज नहीं होगा। जब वो नया ऐड कर रहा है तो अब बोल रहा है जो न्यू वेपर प्रेशर है, न्यू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है पी, वो हमारे लिए 560 mm ऑफ एचजी हो जा रहा है, पहले 550 था, अब बढ़ के कितना हो जा रहा है, 560 mm ऑफ एच जी। तो हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन वही है, कैलकुलेट पी नॉट ए इज इक्वल टू वॉट और पी नॉट बी इज इक्वल टू वॉट। हमसे पूछ रहा है पी नॉट ए की वैल्यू बताइए कितनी होगी और पी नॉट बी की वैल्यू कितनी होगी। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको ऑप्शंस भी दे देता हूं, आप ट्राई करिए, नहीं लगेगा तो इस क्वेश्चन को कल सब्जेक्टिव अप्रोच से मैं सॉल्व करूंगा, बाकी इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हो। आंसर जो पी नॉट ए और पी नॉट बी निकालना है, एक का इसका फाइनल वेपर प्रेशर 550 आ रहा है और 1 मोल बी का और एक्स्ट्रा ऐड करने पे कितना हो जा रहा है, 560 mm ऑफ एच जी। अब ऑप्शंस दिया है, पी नॉट ए की वैल्यू दी है मान लो 3, पहले ऑप्शन में 330 दिया है और पी नॉट बी इसी में क्या कर दिया मैंने, देखो चलो यहीं से कर देता हूँ, ऑप्शन ए में पी नॉट ए दिया है 330 और पी नॉट बी दिया है हमें 550। ऑप्शन बी में पी नॉट ए की वैल्यू हमें दी है, कितना दिया है उसने, 200 दे दिया है, और पी नॉट बी की वैल्यू ले लेते हैं कितना दिया है उसने, 300 दे दिया है, ठीक है, एक ही है। और ऑप्शन सी की बात करूं तो ऑप्शन सी में पी नॉट ए की वैल्यू दी है 800 और पी नॉट बी की वैल्यू दी है उसने 1200, और ऑप्शन डी की बात करो तो पी नॉट ए की वैल्यू 400 और पी नॉट बी की वैल्यू 600। तो ये क्वेश्चन अब मैं होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूँ, आप इसको एक बार ट्राई करो, ठीक है ना, कल कल मैं इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा और एक और अच्छा सा प्रॉब्लम है इसके ऊपर, वो प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। अब इसको ट्राई मार लो, 550 दिया, 1 मोल इसका, 3 मोल इसका जब डालते हैं तो वेपर प्रेशर 550 आता है, और बी का 1 मोल और फर्दर अगर ऐड कर दिया जाता है ना तो वेपर प्रेशर 560 mm ऑफ एच जी हो जाता है। तो हमसे पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू पूछा है, तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिए। कल तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन से भी इसको, ये डायरेक्ट बिना सॉल्व किए क्वेश्चन ऑप्शन देख के भी हो जाएगा, जो मैंने रफ आइडिया आपको दिया है कि वेपर प्रेशर की जो वैल्यू आती है वो हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आती है, तो उससे भी ये हो जाएगा, लेकिन आप उससे मत जाइए ऑप्शन से, इसको सब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व भी करो, और कल मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करवाऊंगा और एक और प्रॉब्लम लूंगा, और उसके बाद हम लोग वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट हमारा लिक्विड इन लिक्विड का खत्म हो जाएगा, तो हम लोग मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कैलकुलेट करना सीखेंगे, कि जो ऊपर वेपर इकट्ठा हो रहे थे ना, ये जो ऊपर वेपर इकट्ठा हो रहे थे ए और बी का, इसमें कितना मोल फ्रैक्शन आएगा उसका कैलकुलेशन हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो कल मैं इसी न्यूमेरिकल से आगे बढ़ूंगा, ठीक है, थैंक यू।